राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से
नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। बाके बिहारी की हर बात निराली है, मेरे बाके बिहारी की हर बात निराली है। मेरे बाके बिहारी की हर बात निराली है, मुस्कान भरी मूरत, मुस्कान भरी मूरत, मन मोहने वाली है। जन में बंदी गृह में सब ताले टूट गए, मथुरा से गए गोकुल वसुदेव भी छूट गए, पाँव छूने को उछल पड़ी, पाँव छूने को उछल पड़ी, यमुना मतवाली है।
भक्तों पे भीड़ पड़ी, पर्वत ही उठा डाला। गोकुल को बचा ही लिया, यशोदा का नंद लाला। जिनके दिल की धड़कन, जिनके दिल की धड़कन बरसाने वाली है। जो भक्त हैं कान्हा के, वो मौज में रहते हैं, चिंता ना रहे कोई, हर हाल में हंसते हैं। हर दिन होली उनकी, हर दिन होली उनकी, हर रात दिवाली है। माथे पे मोर मुकुट, गले बैजंती माला, जो भी आए दर पे दुख दर्द मिटा डाला। जिनके दिल की धड़कन, जिनके दिल की धड़कन बरसाने वाली है। उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की, उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी,
ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े यहाँ नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ू बाबा, किस किस को छोड़ू बाबा, किस किस को अपनाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, बस वहम ही है ये मन के, बस वहम ही है ये मन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, मैं कैसे सुलझाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे, रविराज चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे, मेरे श्याम चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे, बस इतनी कृपा तू कर दे, बस इतनी कृपा तू कर दे, मैं तेरा हो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, श्याम मेरे श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम, मुकुट की शोभा निराली, मोर मुकुट की शोभा निराली, प्यारी सूरत भोली भाली, प्यारी सूरत भोली भाली,
बड़ा पावन। बड़ा पावन है वृंदावन धाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। दे दो अपने चरणों में ठिकाना, दे दो अपने चरणों में ठिकाना। मन का मंदिर बन जाए बरसाना, मन का मंदिर बन जाए बरसाना। रवि करता मेरे शाम, रवि करता रहे गुणगान, ओ मेरे अलबेले श्याम।
अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, चरण में आते हैं तेरे चरण में आते हैं। हम हैं बालक तेरी चरण में तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, निश्चल गुजरे ये जीवन, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरी ओ मेरे स्वामी भक्ति भाव अर्पण होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कर्मों को करते रहे हम सच की राह दिखा देना, सच की राह दिखा देना। विचलित यदि मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना, पाप से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए तो प्रभु दाव मुक्त दर्पण होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा,
अब तो आकर बाँह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु मैं जाऊंगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। क्रोध के कारण अंधे होकर तुमको भी ललकार दिया। जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा दुत्कार दिया। नादानी नादानी की आड़ में कब तक गलती मैं दोहराऊंगा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। कुछ तो मेरे कर्म है ऐसे जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ। सिर पे कर्ज है दुनिया का बस इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब तो आकर बाँह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु तो आकर बाँह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। मेरे सिर पर रख दो साईं अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो साईं, मेरे सिर पर रख दो साईं अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का सा। दुनिया के दाता साईनाथ से धन और दौलत क्या मांगे, साईं राम से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसा। साई तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, बस एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है करूं सेवा तेरी दिन रात। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू, दिन मांझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात।
कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। जैसे भी रखो साईं बाबा, जैसे भी रखो साईं बाबा, बस होती रहे मुलाकात। बजे बधाई गोकुल में बजे बधाई, कन्हैया जन्म लियो कन्हैया जन्म लियो कन्हैया जन्म लियो कन्हैया जन्म लियो। खुशियों की शुभ घड़ी आई, खुशियों की शुभ घड़ी आई, कन्हैया जन्म लियो कन्हैया जन्म लियो कन्हैया जन्म लियो कन्हैया जन्म लियो। गोकुल में बजे बधाई गोकुल में बजे बधाई, कन्हैया जन्म लियो कन्हैया जन्म लियो यशोदा के अंगने में भीड़ जुटी भारी है, भीड़ जुटी भारी है, भीड़ जुटी भारी है। दर्शन को कान्हा जी के आए नर नारी है, आए नर नारी है, आए नर नारी है। यशोदा के अंगने में भीड़ जुटी भारी है, दर्शन को कान्हा जी के आए नर नारी है। मंगल बेला है आई, मंगल बेला है आई, कन्हैया जन्म लियो कन्हैया जन्म लियो मुस्कान मोहन की लग रही प्यारी, लग रही प्यारी, लग रही प्यारी। मंगल गीत गाए सखियां सारी, सखियां सारी, सखियां सारी। मुस्कान मोहन की लग रही प्यारी, मंगल गीत गाए सखियां सारी। हर्षित है यशोदा माई, हर्षित है यशोदा माई, कन्हैया जन्म लियो
कन्हैया जन्म लियो, नंद जी कन्हैया को गोद में उठाए, गोद में उठाए कन्हैया को गोद में उठाए, सोना चांदी हीरे मोती हाथों से लुटाए, हाथों से लुटाए हाथों से लुटाए। हो नंद जी कन्हैया को गोद में उठाए, सोना चांदी जेवर अपने हाथों से लुटाए। पावन जन्माष्टमी आई, पावन जन्माष्टमी आई, कन्हैया जन्म लियो, कन्हैया जन्म लियो। गोकुल में बजे बधाई, गोकुल में बजे बधाई, कन्हैया जन्म लियो, कन्हैया जन्म लियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। मैंने उससे पूछा के नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। किशन कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, किशन कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरे कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरे कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरे कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरे कौन है। नंद यशोदा बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, माखन मिसरी माखन मिसरी बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, माखन मिसरी बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। मैंने उससे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है, मैंने उससे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है, मैंने उससे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। राधा रानी बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को, राधा रानी बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को,
चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की। भक्तजनों, गिरिराज जी महाराज भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले में स्थित हैं। यहाँ भक्तजन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर उनकी और गोविंद हरि की कृपा को प्राप्त करते हैं। भक्तों, गोवर्धन गिरिराज जी इतने महान कैसे बने, कैसे कृष्ण कन्हैया लाल जी के राज दुलारे बने और कैसे इनका संबंध देवराज इंद्र के मान घटाने से है, आइए वेद पुराणों में वर्णित ये पावन गाथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी, आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। है कृष्ण की ये लीला वेदों ने है बखानी, सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी, आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। कथा इस प्रकार से है भक्तों, आषाढ़ का महीना था, भगवान श्री कृष्ण अन्य गोप ग्वालों के साथ वन में गैया चरा रहे थे कि तभी कुछ गैया गोवर्धन पर्वत की तलहटी की ओर चली गई। भगवान कृष्ण और ग्वाले जब गैया माता को लेने वहां गए तो क्या देखते हैं कि कुछ गोपिकाएं तरह तरह के पकवान बनाकर रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर देवराज इंद्र की स्तुति गा रही हैं, नाच रही हैं। भगवान कृष्ण के पूछने पर वो उन्हें बताती हैं कि यदि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तभी तो इस माह में अच्छी वर्षा होगी और तभी धन धान उगेगा और हरियाली छाएगी जिससे हमारी गौ माता चारा प्राप्त करेगी। कान्हा अचंबे में घर की ओर आते हैं और घर आकर माँ यशोदा को देखते हैं तो क्या पाते हैं, आइए सुनते हैं। माता भी इंद्र पूजे पकवान थी बनाती, माता भी इंद्र पूजे पकवान थी बनाती। है महान इंद्र देवा कान्हा को थी बताती, माता के सुन के वाणी हुई कृष्ण को हैरानी, आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। मैया के समझाने पर कृष्ण कन्हैया माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ सारी सृष्टि में वर्षा करवाना तो इंद्र देवता का कार्य ही है, फिर भला इनकी पूजन अर्चन क्यों करनी पड़ती है।
मैया ने बात सुनी अनसुनी कर दी। तब कान्हा ने यही बात गोप गोपिकाओं को जाकर बताई और समझाया कि यदि पूजन करना है तो गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए। यही पर्वत तो मेघों को हमारे गोकुल के ऊपर रोकता है ताकि वर्षा होती है। इसी से हमारे गोवर्धन पर्वत पर हरियाली छाती है, जिसे गैया माता चारा समझकर खाती और ढेर सारा दुग्ध देती है। इसलिए मेरी बात मानो और इंद्र का पूजन अर्चन बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना आरंभ करो। भगवान कृष्ण की बात गोप गोपिकाओं की समझ में आ गई। उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। इधर हर आषाढ़ के महीने देवर्षि नारद इंद्र की पूजा देखने गोकुल में आते थे। इस वर्ष भी जब वो गोकुल में आए तो क्या देखते हैं, आइए सुनते हैं। गोपियों ग्वाल मिलके गिरिराज को है पूजे, और इंद्र को जरा भी कोई ग्वाल भी न पूजे, अभी इंद्र को मैं जाके सारी कहूँ कहानी। आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। देवर्षि नारद यह सब देखकर इंद्र के दरबार में आए और सारी बात इंद्र को सुनाई। इंद्र ने जब ये सुना कि समस्त गोकुल वासियों ने उसका पूजन अर्चन बंद कर दिया है, बहुत क्रोधित हो गया और मेघों को आदेश दिया कि जाओ और गोकुल के ऊपर इतनी वर्षा करो कि सारा गोकुल डूब जाए, ध्यान रखना कोई बचने ना पाए। मेघ बेचारे सत्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात श्री हरि का अवतार है, पर क्या करते, अपने देवराज इंद्र की आज्ञा कैसे ना मानते। सो गोकुल के ऊपर गए और बारिश बरसाने लगी। पहले तो सबने सोचा आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है, परंतु जब तीन दिन तक लगातार बारिश हो गई, सारा गांव डूबने लगा, तब सारे गोप गोपिकाएं श्री कृष्ण के पास में आए और शिकायत के स्वर में उनसे ये कहने लगे। तुम्हारी सुन के नहीं इंद्र को था पूजा, बातें तुम्हारी सुन के नहीं इंद्र को था पूजा, अब क्रोध हम सभी को गोपाल सहना होगा, गलती हुई है हमसे बातें तुम्हारी मानी। आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। सात दिनों तक लगातार वर्षा होती रही भक्तों, सारा गोकुल लगभग लगभग डूबने लगा था। गोधन अन्न धन की बर्बादी हो रही थी, सभी लोग कन्हैया के पास जाकर हाहाकार कर रहे थे। तब कन्हैया ने सभी को अपना गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आने को कहा। जब सारा गोकुल अन्न धन लेकर गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी प्रारंभ की। एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, सब हैरान हैं कि कन्हैया ये क्या कर रहे हैं। तभी दूजा हाथ पर्वत के आधार के नीचे घुसाया
और हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज महाराज को उठा लिया। सब भगवान कृष्ण की लीला देखकर हैरान हैं। सभी को भगवान ने आदेश दिया कि सब पर्वत के नीचे आ जाएं और बारिश से अपना बचाव करें। सारा गोकुल अन्न धन गोधन लेकर पर्वत के नीचे आ गया और बारिश से बच गया। इंद्र को जब ये ज्ञात हुआ तो देवर्षि नारद के सहित वहां पर साक्षात आ गया। तब क्या देखता है कि एक हाथ से तो कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरे हाथ में इतना विशाल गोवर्धन गिरी मात्र एक नाखून की नोक पर उठा रखा है। इंद्रराज कुछ समझ पाता कि तभी श्री हरि ने उसे अपना विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप देखकर इंद्र थर थर कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गया। एक हाथ मुरली साजे दूजे गिरी उठाए, एक हाथ मुरली साजे दूजे गिरी उठाए, और रूप अपना विष्णु दिए इंद्र को दिखाए, चरणों में आके उसने गलती की माफी मांगी। आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। इंद्र ने मेघों को तत्काल आदेश दिया कि बारिश बंद कर दे और कान्हा की शरण में आकर हाहाकार करने लगा। कृष्ण कन्हैया ने उसे समझाया, हे इंद्र, पूरी सृष्टि में बारिश करवाना यह तेरा कार्य है, फिर तू अपनी पूजा क्यों करवाता है। इस पर इंद्र ने कहा, भगवन, आज के बाद मैं पूरी सृष्टि में आवश्यकता अनुसार बारिश करवाऊंगा, परंतु कृपा कर मुझ पर क्रोध न करें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं, परंतु तुम्हारे नेत्र खोलना भी आवश्यकता। इंद्र क्षमा मांगकर देवर्षि नारद के साथ स्वर्गलोक लौट गया और इधर सभी गोप ग्वाले कान्हा और गिरिराज जी महाराज की जय जयकार करने लगे। तभी से भक्तों, गिरिराज जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के लाडले माने जाते हैं, बड़भागी माने जाते हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। तो ऐसे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाकर उनका और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। भाग्य गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया, बड़ भाग्य गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया, माटी से सबने भक्तों चंदन तिलक लगाया, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी,